हेलो जनता, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत है। सो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं GTA 5। सो इस वाली एपिसोड में हम एक हमारा जीप रैंगलर को मॉडिफाई करने जा रहे हैं। सो पहले तो माइकल चचा को देख लो, एकदम फुल ब्लैक में, ठीक है। इससे पहले वाली एपिसोड में जो हमने किया था, ओ जो हमारा सुपर कार भी है, एक सुपर कार और जो गोल्डन लग्जरी देखो कार था उसको इधर हमने पूरा हाइड कर लिया था, ठीक है। तो लेस्टर ने बाद में उसको CCTV से रिमूव भी कर लिया। तो ये बात ये है कि हमारे जो इस वाले घर में जो है ना, वो पुलिस वाले को पता चल गया है कि हम इधर इलीगल काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि वही पीछे वाला जो ड्रग्स तो नहीं, वीड का जो फार्म है, वो पुलिस वालों को पता लग गया। वो किसी भी वक्त इधर आ सकते हैं तो रेड करने के लिए, इसलिए हमने छुपा दिया। ये देखो मेरा रैंगलर का किस गली के कुत्ते ने पूरा चारों के चारों टायर पंचर कर लिया भाई, पंचर हो गया भाई ये तो। चलो कोई नहीं। इसलिए हमको पूरा हमारा गाड़ी जो है जो हाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक दो ही कार है मैंने इधर रखा है, तो अगर पुलिस वाले को पता लग गया और इधर रेड करने आया था, हमारा सारा कार सीज हो जाएगा, ठीक है। सीज होने से पहले हमको हमारा पूरा कार है वो उसको हाइड करना पड़ेगा। और ये आई थिंक मर्सिडीज बेंज को भी, वो बेंज नहीं भाई, वो उस मर्सिडीज को भी मैं जी वैगन को भी हाइड कर दूंगा और इसको भी हाइड कर दूंगा, ठीक है। ये तो अभी मॉडिफाई के लिए जा रहा है, उससे पहले इसका जो पंचर है ये बनाना पड़ेगा भाई। अभी लॉस सैंटोस कस्टम में जाके ये मैं पूरा टायर करूँगा। इसका टायर बहुत मजबूत है भाई, ये कार एकदम मस्त है, इसलिए इसका जब कोई चारों टायर पंचर है फिर भी अच्छे से चलेगा, कंट्रोल एकदम अच्छे से होगा। हमने पूरा टायर बदल लिया है, ठीक है, पूरा पंचर पूरे फिक्स कर लिया है। पहले मॉडिफाई तो हम बेनी की वर्कशॉप में ही करेंगे। उसका जो लोकेशन है वो मेरे को लेस्टर भेज देगा अभी, ठीक है। पहले तो लेस्टर को कॉल करके बोलते हैं मेरे को जल्दी लोकेशन भेज दे, ठीक है। तो फिर जब वो भेज दे, ओ गाइस उसने लोकेशन भेज दिए, उसने सेंड कर दिया है मेरे को लोकेशन, वो मैप में देख रहा है GPS, ठीक है। चलते हैं उधर। ये देखो हमारा जी वैगन, ओ जी वैगन रैंगलर है हमारा तो, ये जी वैगन। ओ मेरे को इसने ठोका, रुक अभी तेरे को दिखाता हूँ भाई। गेट आउट फ्रॉम देयर ब्रो। लड़की है क्या? हाँ लड़की आई थी। कमान आओ, कमान कमान कमान। ओ ये ले वो पीछे वाला कार को बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया क्या ये मेरे को? अगर तूने मारा तो मैं तेरे को गन से मारूंगा भाई। कौन सा कार है भाई ये? एकदम मस्त कार है। कौन सा कार है भाई ये? कमेंट करो, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना गाइस। चलो चलते हैं भाई, इन लोगों से बहस करके कुछ नहीं होगा। एक BMW भी है भाई, भाई सभी लोग अमीर है भाई, सभी लोग रिच है भाई, हमको भी थोड़ा रिच होना पड़ेगा ब्रो। हमको एक मैं इधर आ चुका हूँ। चलो इसको पहले अंदर नहीं भाई, आप अंदर जाके देखते हैं पहले, ठीक है। मैं अंदर जाके देखता हूँ पहले। ओपन ओपन खुल जा सिम सिम। ओ भाई ये तो बहुत अच्छा है यार, बहुत ब्यूटीफुल है भाई ये तो। ये देखो, ओहो नाइस रे। चलो मैं मेरा कार लेकर आता हूँ इधर और बेनी को दे देता हूँ। आई थिंक बेनी ऊपर है भाई, वो रिसेप्शन में है आई थिंक। अभी नीचे आएगा वो, आई थिंक वो नीचे आ चुका है। अपुन एक कार को बैक करके कुछ आएगा इधर, वो फ्रंट से ही आएगा वो आने तो। वो ये देखो बेनी आ चुका है उधर साइड पे। चलो इसको इधर छोड़ के जाते हैं। बेनी ने बोला है कि आज के लिए तुम मेरा कार लेकर जा सकते हो। मैं आज आया हूँ बेनी के कार में। ये देखो भाई इसने कार को क्या, ओ साउंड मस्त है भाई जी वैगन का। ओ नाइस नाइस है, वो जो एग्जॉस्ट से साउंड आ रहा है वो क्रैकलिंग आ रहा है, वो इधर दिख नहीं रहा है, आई थिंक उसने हाइड कर लिया है भाई। ओह नाइस भाई, इसका पिकअप भी मस्त है भाई, स्पीड मस्त है, ब्रेक्स एकदम मस्त करके रखा है भाई इसने। आई थिंक मेरे वाले जी वैगन भी इसको ही मॉडिफाई करना देना पड़ेगा भाई, इसने एकदम पूरा भोगाली लुक दे दिया है भाई। चले पहुँचते हैं उधर। गाइज मैं अभी लिस्टर के पास जा ही रहा था तो मैंने
मेरे को जिमी ने कॉल करके बोला कि हमारे घर में रेड हो चुका है, आ जाओ, हम तो भाग चुके हैं। वो ऐसे करके वो जिमी ने कॉल किया है हमारे घर में। आई थिंक पुलिस ही पुलिस है, तो आई थिंक हमको जल्दी जाना पड़ेगा उधर। अभी मैं ये ही सोच रहा हूँ कि मेरे जी वैगन भी उधर ही है, और मैंने उसको हाइड करने के लिए तो बोला था, उसी बात के लिए मैं रजिस्टर के पास जा रहा था। एक सेकेंड, ये कौन सा बाइक है भाई? रेसिंग बाइक है, नाइस। ओ वही बात, वो हाइड करने के लिए ही मैं लेस्टर के पास जा रहा था। तो चलो पहले घर पहुँचते हैं। ओ गाइस ये देखो, मैं घर पे आ चुका हूँ, और ये इधर पुलिस वाले कितने हैं भाई? ये रेड करने आए हैं या पूरा तबाही करने आए हैं? ओ माय गॉड भाई, क्या हुआ? इससे पूछ लेता हूँ, ठीक है, क्या हुआ? इसने बोला कि मैं नहीं बताऊंगा, जाओ पीछे जाकर देख लो, बताया इसने। लेकिन एक सेकेंड, ये देखो भाई कितने पुलिस वाले हैं भाई इधर। सो कोई नहीं, चलो इधर से ही जाते। मैंने जो बेनी का कार है वो मैंने पीछे वाले घर पे तो खड़ा करके रखा है। ये इधर एक पुलिस वाला है, आई थिंक अंदर भी एक है क्या? ए भाई दरवाजे पे मत बैठ, मैं आ रहा हूँ अंदर। हाँ आई थिंक इधर भी एक है, देख ये पूरा हिसाब किताब लगा रहा है भाई, कौन कौन सा है इधर, कौन कौन सा ड्रग्स है, वीड है, कितने पैकेट है, सब ये गिन रहा है भाई। तो चलो इसको गिनने देते हैं भाई, हम इधर से बाहर जाते हैं। भाई क्या हाल चाल भाई तुम्हारा? तो उधर जाके पूछ लेते हैं अब मेरा क्या होगा। चलो पूछ लेते हैं इस FIB वाला, यही आई थिंक यही एड है भाई इधर का, इसका असिस्टेंट है वो लगता है मेरे को। भाई माइकल ने बहुत समझाया, वो मैंने नहीं किया है, मेरे को पता नहीं मेरे घर में वो कैसे आए, बोला, लेकिन ये मान ही नहीं रहा है। सो क्या करूँ? ओ भाई इन लोगों ने माइकल को बैठा लिया भाई, मैं कितने बार समझा रहा था इन लोगों को, इन लोगों ने माना ही नहीं, विश्वास ही नहीं किया। सो इन लोगों ने मेरे को गन पॉइंट में सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया भाई। अभी ये बोल रहा है कि हमारा एक बंदा तुमको लेकर जाएगा पुलिस स्टेशन, और तुम पुलिस स्टेशन में ही रहोगे। तो चलो अभी जाना ही पड़ेगा पुलिस स्टेशन भाई, क्या करे भाई। इस वाले बंदे मेरे को लेकर जाएगा पुलिस स्टेशन भाई, बैठ ना माइकल बैठ। तो चलो आजा भाई, ड्राइव कर ले। अच्छा आजा, ये देखो शोल्डर भी एक ड्राइवर है भाई, क्या बोलो यार, ड्राइव तो अच्छे से कर। ओ भाई अब भी ठोक दिया, आई थिंक ये मेरे का आज मरवा के ही मानेगा भाई। ओ भाई चलो छोड़ो यार, अभी पहुँचते हैं पुलिस स्टेशन, और उधर ही तो भाई इसके अंदर तो बहुत, आई थिंक मैं इसको गन भी नहीं मार सकता भाई, ये बुलेट प्रूफ ग्लास है भाई। ओ भाई मैं कार से कूदूंगा तब भी मरूंगा, अगर मैंने इसको शूट करने की कोशिश किया तब भी मरूंगा। तो चलो मिलते हैं पुलिस स्टेशन में। ए भाई इसने क्यों रोक दिया भाई, हमको पुलिस स्टेशन जाना है भाई, चलो चलो। सो ऑल राइट गाइस, मैं पुलिस स्टेशन में आ चुका हूँ। माइकल देखो मस्त बेंच पे पूरा बैठा हुआ है, लेटा हुआ है। दो पुलिस वाले आकर बोला है कि इंक्वायरी के लिए। इसने लेस्टर को कॉल कर दिया, अगर तुम्हारा लॉयर आ गया और उसने केस जीत लिया तो तुम रिहा हो पाओगे, वरना नहीं। सो आई थिंक लेस्टर कुछ ना कुछ तो करेगा भाई, हमको अंदर बैठने नहीं देगा लेस्टर, हमको जल्दी ही बाहर निकलना पड़ेगा भाई। हमारा ड्रीम बहुत है, हमको एक पूरा लग्जरी शोरूम बिल्ड करना है भाई, घर पूरा मॉडिफाई करने वाला है भाई। हम अभी काम बहुत बाकी, ऐसे ही अंदर तो नहीं बैठ सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सो चलो मिलते हैं दूसरी वाली वीडियो में। टक टक, आप सभी लोग टेक केयर गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय बाय, टेक केयर।